कैसा लग रहा पहाड़ों में आके? क्या कर रहे हो आप? पानी में खेल रहे हो? अच्छी जो शेफ आए हैं ये बना रहे हैं मस्त मैगी। हाँ हाँ, धुआंधार बैठ गए। टाटा कर लो डेविड भैया को। टाटा फिर निकल रहे हैं दोस्तों अपन एक बढ़िया से पिकनिक मनाने, और मेरे साथ मेरा परिवार यहाँ मौजूद है और मेरे और भी परिवार हैं जो कि मेरी कॉलोनी में रहते हैं। हम सब मिलके एक बढ़िया से पिकनिक मनाने जा रहे हैं क्योंकि अभी माहौल छुट्टी वाला है और मौसम तो साथ दे ही रहा है। वैसे मौसम का क्यों ना लुत्फ उठाया जाए, आज पूरे परिवार के साथ एक बढ़िया से पिकनिक की वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो बने रहना, शुरू में लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब। मेरी सारी तैयारी हो गई और देखिए हमारे साथ कौन जा रहा है। ये मेरा भाई है और अभी इंदौर में रह रहा है। कैसा है? हेलो फ्रेंड्स, बढ़िया। बहुत टाइम बाद ग्वालियर आया हूँ और आज सोचा है कि हमारे भाई के संग और हमारी जितनी भी फैमिली उनके संग में पिकनिक जाऊँ। तो आइए देखते हैं पिकनिक पे आज कैसा लगता है। बहुत टाइम बाद सब हो चुकी हैं, सब लोग आ गए हैं और देखिए कितने सारे लोग चल रहे हैं अपने साथ। आज मज़ा आने वाला है, मस्ती होगी, धमाका होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलते हैं। तो ये पहुँच गए अपन दोस्तों इस वक्त ग्वालियर से निकलने के बाद शिपरी लिंक रोड, और अभी हम लोग थोड़ा रुकेंगे आगे जाके चौधरी के ढाबे पे। वहाँ हमारे एक मित्र हैं जो कि झांसी से आ रहे हैं, तो उनसे आपको मिलवाते हैं। तो ये गाड़ी हमारे गोल्डी भाई की, और ये हमारे रोहित भाई हैं, ये है हमारे गोल्डी भाई जो कि झांसी से आए भाई साहब 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमसे मिलने। गोल्डी भाई कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? आप लोग हम लोग के साथ आइए, मस्त एक एंजॉय कीजिए डेविड भाई के साथ। आपको खुद में मजा आएगा कि क्या चीज़ है भाई, कहाँ लेके जाता हो, कौन सी जन्नत मिलती है। हम लोग को भी नहीं पता ये कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाता है वो जगह, पर आप आइए हमारे लोग के साथ, बिल्कुल एंजॉयमेंट कीजिए, मजा आएगा। हमेशा की तरह आज भी मजा होने वाला है और हमारा मकसद यही है ग्वालियर के आसपास जितनी भी जगह है वो आप लोग के लिए पहुँच के लाए। आ गए सब लोग आ गए भैया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया सफर में? बहुत मजा आ रहा है। कहना चाहोगे मून भैया? ये अपने मून भैया हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, मजे करने में एक्सपर्ट। ये हमारी भाभी हैं, मुन भैया की वाइफ हैं, और मतलब सब अच्छे नेचर के, मतलब सब बढ़िया बिंदास दिल वाले लोग जा रहे हैं अपने साथ आज। ये दोस्तों चलते हैं, सब एक साथ हो गए हैं अब, और बड़ा मज़ा आएगा आज भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे देखिए हमारे भाई लोग का मस्त झंडा अपने हिंदुस्तान का। फाइनली 22 किलोमीटर सफर तय करने के बाद ग्वालियर से हम लोग पहुंच गए दोस्तों पनिहार। अब ये पनिहार का जो चौराहा है यहाँ से हम लोग को लेना है राइट, चलते हैं आगे। फाइनली पनिहार पहुंच गए हैं हम लोग, ये गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पे, और वहाँ पे एक बढ़िया सी नाश्ते की दुकान है, वहाँ नाश्ता करते हैं फिर इस रोड से आगे बढ़ेंगे। ये है वो दुकान, और देखिए यहाँ पे मस्त अभी तो बेड़े की सब्जी तैयार हो रही है, और गर्मा गर्म बेड़े का आनंद लेते हैं। सबकी सब बैठ गए यहाँ पे, खाते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्या खा रहे हो? समोसा, कचौड़ी, बेड़ई। भूख लग रही है। इसको बहुत मजा आ रहा है। काफी सारा टाइम बर्बाद हो गया हमारा, लगभग पौन घंटा यहाँ पे हम लोगों ने समय व्यतीत कर दिया है। अभी भी इन लोगों का खाना खत्म नहीं हुआ है, खा ही रहे हैं, मतलब नाश्ता बड़ा टेस्टी लग रहा है। और फैमिली के साथ निकलने के ये साइड इफेक्ट होते हैं, देखिए आप किस तरह से लगेज वगैरह डाल के हम लोग लेके जाते हैं गाड़ियों पे। तो चलिए चलते हैं, अब आगे का सफर यहाँ से करना है। यहाँ पे ट्रैफिक कितना ज्यादा जाम हो गया है। फाइनली हम लोग हरी भरी वादियों में पहुंच गए हैं, और ये खूबसूरत सा पहाड़ हमेशा की तरह है आज भी बहुत प्यारा लग रहा है। और बात करें दोस्तों मौसम की, तो मौसम बहुत ही ज्यादा साथ दे रहा है हमारा, और इस तरह की प्यारी सी रोड में गाड़ी चलाने में जो मजा आ रहा है ना, क्या बताएं उसके बारे में, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। आ गए फाइनली सब की सब। मौसम का चलाना है, एक नंबर मौसम। कभी मस्ती कर रहा है। यहाँ पहुंच के पोपट हो गया है क्योंकि
वाटरफॉल सूख चुका है, पानी इधर चल नहीं रहा है। हम लोग आगे तरफ जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा पानी है, लोग नहा सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं। ये जगह बहुत बढ़िया है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि झरना जरूरी हो, हर जगह पिकनिक जैसा वातावरण है यहाँ पे। आ जाओ भैया, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। कैसा लग रहा है पहाड़ों में आके? क्या कह रहे हो? आज पानी नहीं है, आ जाओ। निकालते हैं, चटिया चटाई वटाई बिछा रहे हैं, सब तैयारियां हो रही हैं। और ये हमारे छोटे महाराज को देखिए, यीशु कहाँ मस्ती कर रहे हो? मस्ती कर रहा है। कहाँ ले आए तुम लोग जंगलों में मेरे को? मैं भी उड़ेड भाई, क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूंगी, हम आए थे इधर पे झरने को देखने, और देखो हमारी किस्मत इतनी बेकार है, झरना जगह किस जगह के बारे में क्या कहना चाहोगे? जगह के बारे में ये कहना चाहूंगी, खुला खुला बहुत है, बिल्कुल मस्त है। आप लोग भी आइए ग्वालियर में, मजे कीजिए। जिसकी आई छोटी कहाँ आएगा? और किशु के लिए झरना, हाँ वहाँ पे एक छोटा सा झरना बह रहा है। निकले चाचा कह रहे मैं कब पकड़ूंगा मच्छी। सारे खुल रहे हैं, कौन क्या क्या लेके आया भैया बताओ। ये देखिए गर्मा गर्म घर के घर का बना हुआ, हाँ। गजब, पहाड़ों में आए पोहा नहीं खाया तो क्या पहाड़ों में आए। आज डायलॉग चेंज हो गया, मैगी वाला कैंसिल हो गया। और ये देखिए हमारे किशु को, राहुल भैया के छोटे से प्यारे से नन्हे से बेटे को, ये देखिए, ये देखिए मजा आ रहा है। ये देखो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया जगह है यार। चालू हो गए हैं सब लोग, क्या बना रहे राहुल भाई? हम लोग मैगी की तैयारी कर रहे हैं, और प्याज टमाटर और मिर्ची लाए घर से हम लोग। मैगी की तैयारी। और ये देखिए जंगलों से किस तरह लकड़ी बीन के ला रहे हैं, कितना संघर्ष किया आपने लकड़ी बीनने में? बहुत ज्यादा, कहीं लाठ से कहीं हाथ से। भाई ने ना आज मजा बांध दिया, साला चिल्लू भर पानी में नहीं बसता अपने डूबने के लिए। जंगलों के बीच में देखिए यहाँ पे व्यवस्था बैठा रहे हैं, मस्त चूल्हा मिल गया हमें, अपनी अपनी लकड़ियाँ ले आए हैं, अब मैगी बनाने की तैयारियाँ करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए भाई साहब हमारे झांसी से जो शेफ आए हैं, ये बना रहे हैं मस्त मैगी, हाँ हाँ धुआंधार। गजब यार, और ऊपर से डल रहा है ये मस्त मसाला, वाह यार। कहाँ सीखी आपने? हमने हाँ ग्वालियर में, ग्वालियर डेविड भाई के, डेविड भाई के शहर में। ये ना आप भी आ गए? नहीं होगा कुछ नहीं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हो आप? पानी में खेल रही हूं। पानी में खेल रहे हो? अरे गिर जाएगी आगे। ये देखो कैसी मस्ती चल रही है ना, कि हमारे सारे बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, वो देखिए एरोन वगैरह मस्त बैठे हैं। अपनी बिरयानी खा लो, इधर लाके पापा खिला देगा ना। अरे वो कुछ नहीं खाना, आपको पानी देख के मजा आ रहा है। क्या कर रहे हैं अकेले अकेले बैठे बैठे? गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी है और इसके अंदर काफी सारी मच्छियां हैं। विक्की भाई उनको निहार रहा है और आनंद उठा रहा है कि नहीं आवाज भाई? तभी तो अभी से निहार रहा है, फिर बाद में खाएंगे। पकड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, पकड़ेंगे यहाँ से मच्छी पकड़ेंगे। ये सच की आ गई है अपनी मैगी भाई साहब, ये देखिए कितना आनंद ले रहे हैं सबके सब, बड़ा मजा आ रहा है। क्या कहना चाहोगे राहुल?
ये पानी वाली मैगी है भैया। हल्की हल्की बारिश हो रखी है और देखिए कढ़ाई की हालत। कढ़ाई भाई साहब किया मांग रहे हैं। मामा ये तो मच्छी पकड़ के लाया मामा है ना। कढ़ाई तो मांग। देखो देखो मच्छी बहुत मस्ती कर रहा है। बहुत मस्ती चल रही है और गर्मा गर्म मैगी बड़ा आनंद आ रहा है। रोन मैगी खाओ पकड़ लो हमारी डेयरिंग है भाई कर्री तरह से देखो पकड़ो ऐसे अरे मछली चल की रहनी है इसको फ्राई करके खानी है। यहाँ पर हो रहा है मच्छियों का शिकार तो मामा क्या विधि है मच्छी पकड़ने की ये बताओ जरा क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो मच्छी पकड़ने के लिए। छोटा सा टोटा तोता नहीं है ये आटा है। बढ़िया नाश्ता चल रहा है खाना चल रहा है सब बिरयानी लेके आए थे अपनी पैक करा के। रॉबी तुम्हारी क्या मस्ती चल रही है क्या हो गया हाजी हो गई है? मम्मी के पास है। मेरे को दे दे यार मैं भी टॉफी खाता हूँ। तो यहाँ पे खाना चल रहा था भाई लोगों तो बढ़िया भरपेट खाना खा लिया हम लोगों ने। अब जाएंगे नहाने सबके साथ। सो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं नहाने पानी के अंदर एक डुबकी में लगा चुका हूँ फिर से एंजॉय कर। फाइनल की थी यहाँ पे नहा धो के हम लोग निकल रहे हैं वापस ऊपर की तरफ। सब लोग वहीं पहुंच गए। राज भाई हमारे साथ थे जो कि नहाने के लिए रुके थे। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। कुल मिला के ये जगह बहुत अच्छी है आप लोग भी आ सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। चलो आरवन की मम्मी अरे भाई लोग सबकी सब क्या चल रहा है इधर। हाउजी हाउजी ये नया गेम मस्त वाला। टिकट कौन बेच रहा है इधर। 7070 नहीं आया 3939 सिंगल नंबर 1 7474 देखिए कुछ खुला खुला ना मेरा मुंह 6969 6464 तभी आली हमारे अवध भाई के ऊपर की लाइन। बबलू भाई ने मिडिल और लास्ट लाइन कर दी है। तो विक्की भाई का फुल हाउस हो गया है। विक्की कितना ही नाम है फुल हाउस पे। अरे वाह यार तो पेट्रोल खर्चा निकल गया। पैसे से ही पैसा बनता है। तो विक्की के नंबर चेक की जा रहे हैं हो गया। तो भैया विक्की बधाई हो। विक्की बधाई हो 100 रुपए कमा ली तुमने। ये जीएसटी काटो जीएसटी काटने के बाद मिले भैया। चलो बैठो बैठो अपनी अपनी गाड़ियों पे जो जैसे आया था वैसी जाएगा। चलो विक्की गाड़ी निकालो। पिकनिक के साइड इफेक्ट ये बैठे यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। और यहाँ पे रिची भाई की गाड़ी का पंचर जो हो गया था टायर उसको चेंज किया जा रहा है। हाँ गम और खुशी दोनों जुड़े रहते हैं। चलो भैया बहुत मेहनत के बाद गाड़ी ठीक हुई है पंचर। चलते हैं अब सीधा घर पे मिलेंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उतने ज़्यादा खास तरह से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मस्ती इतनी ज़्यादा करी ना। मेरी खुद की फैमिली थी मेरे दोस्त यारों की फैमिली थी मतलब कुल मिला के बहुत मज़ा किया हमने। तो मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को डेविड ग्वालियर के परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।